वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई ये काव्य पंक्तियां उस संघर्ष की ओर इशारा करती है जो शून्य से साम्राज्य तक का सफर तय करने में जरूरी होती है। कुछ ऐसा ही संघर्ष करते हुए BCN एवं BTP ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख ने इतना बड़ा साम्राज्य निर्माण किया। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनका ये खास सफर। तो जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज इतना भव्य आयोजन किया गया, जहां आप देख ही सकते हैं कि हजारों की संख्या अब तक यहां मौजूद हो चुकी है इस महाशिविर का लाभ उठाने के लिए। तो जिनका जन्मदिन है यानी BCN और BTP ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख सर, ये अभी हमारे साथ उपस्थित है। आइए उन्हीं से जानते हैं इस तरह के आयोजन पे किस तरह महसूस करते हैं। सबको पहले तो आपके BCN के टीम, कारा की टीम और नागपुर मेट्रो समाज टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं कि उन्होंने हमारे इसमें इतना सहयोग किया और उनकी मेहनत से ये आज इतना कार्यक्रम रंग लाया हुआ है। और हम लोग जो 15 साल हो गए आज ये कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं, हम ऐसा आगे भी करेंगे और ऐसे गरीबों की मदद करने का हमने लक्ष्य जो उठाया, हमसे जितना होगा उतना हम करेंगे। सर, आज जैसा कि अभी यहाँ पर इतने सारे लोग इस महाशिविर का लाभ उठा रहे हैं, तो इतने सारे लोग जब दुआएं देते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं इन रोजगारों का, इन बेरोजगारों का सहारा बनकर? देखो, जिंदगी देने वाला अल्लाह है और लेने वाले भी अल्लाह ही है, पर उसने अगर हमको दुनिया में उतारा है तो इंसानियत के ना, इंसानियत का काम करने के लिए उतारा है। देखो, हमारे को एक धार्मिक काम करना है। अगर हमको अल्लाह का खौफ नहीं रहता, अल्लाह का डर नहीं रहता, तो इंसान इंसान को नहीं पहचानता, इंसान भाई बहन को नहीं पहचानता, भाई बहन भाई को नहीं पहचानता, यानी अलग तरीके के लोग हैं। ये इंसानियत है कि जो गरीब भी बनाया, अमीर भी बनाया, अच्छे भी बनाया, बुरे भी बनाया, तो लोगों को लेके चलना, ये करना, ये सब अल्लाह का जुनून है कि जो हमारे दिमाग में आया कि हमें ऐसा करना चाहिए। हम उसके राह पे चल रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं तो अल्लाह भी खुश होता, जनता भी खुश होती, हम भी खुश होते हैं। सिराज सर के संघर्ष की कहानी हमने हमारे चैनल के माध्यम से कई बार जानी है, तो सिराज सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपके संघर्ष की कहानी हम सबको पता है, दर्शकों को भी पता है, तो आपने जो अपने जीवन से कड़ा संघर्ष किया उसका जो एक आप बहुत ही कम शब्दों में लोगों को एक मिसाल देना चाहोगे तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो एक ही वर्ड बोलूंगा, मैंने विदाउट मनी पैसे चल गए, जीरो से हीरो है ना, विदाउट मनी। अब डिटेल में समझाना पड़ेगा, लंबी स्टोरी है। यानी मैंने लॉटरी के धंधे से स्टार्ट किया, संतरे के धंधे स्टार्ट किया, कपड़े का भी हमारा काम था, ये हमारी जर्नी की स्टार्ट है। यहाँ तक के पहुँचे, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, इसी कैसे हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर।